टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने 17 सितंबर को अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट किया और उस मौके पर उनके दोस्तों ने उनके लिए एक खास सरप्राइज भी प्लान किया था। निया के बर्थडे का सेलिब्रेशन काफी सुर्खियों में रहा था, जिसकी वजह थी उस सरप्राइज पार्टी में आया उनका बर्थडे केक। निया ने अपने बर्थडे पर ऐसा केक काटा था जिसकी शेप देखकर यूजर्स ने उसे अश्लील और गंदा बताना शुरू कर दिया था और एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। सोशल मीडिया पर निया को उनके केक के लिए खूब ट्रोल किया गया था, लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे केक पर मचे बवाल को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया है। निया ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली फालतू बहस और बातों पर ध्यान नहीं देती। निया ने कहा कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुद को तनावपूर्ण स्थिति से दूर रखने के लिए करती हूँ। मैं मस्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। मुझे फालतू की बातों पर लोगों से बहस करना और उलझना पसंद नहीं है। निया ने आगे कहा कि मैं इंस्टाग्राम से सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं कई पेजों की जाँच करती रहती हूँ जहाँ से मैं कुछ सीख सकती हूँ, चाहे वो मेकअप से संबंधित पेज हो या हेयर स्टाइलिंग पेज। मैं ट्रोलिंग पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद करने की बजाय कुछ सीखती हूँ। बता दें, केक को अश्लील बताए जाने के अलावा उस वक्त ट्रोलर्स ने निया शर्मा पर भी आपत्तिजनक कमेंट किए थे और उनके पहनावे पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन निया ने तब कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और मजेदार तरीके से ट्रोल्स को जवाब दिया था। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।